नमस्कार नमस्कार नित्यानंद मामा जी, जैसे हमारे कोंकणी में एक प्रथा है कि हर एक आदरणीय व्यक्ति को रिश्तेदार, खून का रिश्तेदार समझ के मामा कहते हैं और उसमें बड़ा आनंद आता है, उस प्रकार से मैंने ये संबोधन आपको किया है। अच्छा, यूं ही मैं पूछ रही हूँ, आपको भी स्मरण है कि हम पहले कहाँ मिले थे? शायद एक प्रोग्राम में मिले थे। मुझे याद है कि सबसे पहले हम मिले थे कई वर्षों पहले, शायद 98 या 99 में, ऑल इंडिया रेडियो पर, और मैंने ऑडिशंस के लिए अप्लाई किया था और आपने मेरी रिकॉर्डिंग की थी। और ऐसे महनीय व्यक्ति जितने भी हमारे समक्ष आते थे, उस समय हम लोग काफ़ी भयभीत हुआ करते थे कि अभी ये आ गए हैं महानुभाव, पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ मैं शुरुआत करती हूँ एकेडमी की बात बताकर। हमारी एक प्रमुख एकेडमी है द्रोणाचार्य IAS एकेडमी। ये इसका जो प्रमुख कार्यालय है सी वुड्स में है, नवी मुंबई में। तो उनकी एक, जैसे हम सिस्टर कंसर्न कहते हैं, संस्था है, इसका नाम है द्रोणा स्टार एकेडमी। ये ललित कलाओं से संबंधित है। अभी ये जो IAS के छात्र होते हैं, उनको एक पेपर होता है आर्ट एंड कल्चर, इसके अंतर्गत भी इनको शास्त्रीय, उपशास्त्रीय संगीत, भारतीय संगीत, कलाएं, संस्कृति, इसका उत्तम अभ्यास करना आवश्यक होता है। इसलिए हमने सोचा कि हम अच्छे अच्छे कलाकारों को, चाहे वो संगीतकार हैं, तंतुकार हैं, या फिर चित्रकला में निपुण हैं, ऐसे लोगों को एक स्टूडियो में बुलाकर या एक अच्छे माहौल में लाकर उनका एक इंटरव्यू लेके उनके जीवन को जान ले, ताकि जो हमारे छात्र हैं वो केवल पढ़ाई 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 ना करते हुए प्रत्यक्ष में उन्हें पता चले कि कलाकारों ने कैसे जीवन जिया है, कैसे कला पाई है। तो इसी संदर्भ में आज हम मिलते हैं पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी से, और ये बहुत ही विख्यात बांसुरी वादक है, पर बांसुरी कई नामों से जानी जाती है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो बांसुरी के कई नाम हैं, वेणु भी बोलते हैं इसे। हाँ, ओरिजिनल नाम इसका वेणु है। हाँ, क्योंकि ये संस्कृत से आता है ये शब्द वेणु। हाँ, इसलिए वेणु भी कहते हैं, कई भाषाओं के साथ पावा भी कहते हैं। हाँ, बांसुरी भी कहते हैं और सानिका भी कहते हैं, मतलब बहुत नामों से जानी जाती है। तो लेकिन आम तौर पे बांसुरी करके ही इसको लोग पहचानते हैं। भारतीय संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण का चहेता वाद्य है या बांस का बना हुआ है, इसलिए शायद बंसुरी या बांसुरी में बांस का वर्णन आता है। बंसी वंशी से शब्द आया। हाँ, हाँ, वंशी वीणा। और श्री कृष्ण भगवान के कई नाम भी इससे संबंधित है, जैसे बंसीधर है या वेणु माधव है। सर्वप्रथम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपना मूल गांव और अपने माता पिता के विषय में कुछ बताएं और उनका नाम भी बताएं। मेरा मूल गांव, ऐसा देखेंगे तो मैं बम्बई की पैदाशी हूँ, लेकिन हमारा जो फैमिली का घर जो है वो कर्नाटक में हल्दीपुर एक गांव है। अच्छा, विलेज तो वहाँ है, और वहाँ हमारी देवता जो है, कुल देवता शांता दुर्गा, उसका एक मंदिर भी है घर में। ये क्या वही शांता दुर्गा है जो कवड़े में है? कवड़े में है। अच्छा। और इसका बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये जो विग्रह वहाँ हमारे घर में जो है वो गोल्ड का है, प्योर गोल्ड का है। विग्रह माने मूर्ति? मूर्ति के वो जो मूर्ति जैसी होती है, छोटा लेकिन विग्रह। हाँ, हाँ, उसको विग्रह बोलते हैं। अच्छा, पूजा में जिसका उपयोग। हाँ, होता है। हाँ, तो मेरे जो ग्रैंडफादर के फादर थे वो तलाकीदार थे। अच्छा। मामलेदार बोलते हैं, तलाकीदार। हाँ, हाँ, हाँ। उनका काम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जाके और टैक्स कलेक्ट करना। हाँ, हाँ। ओवर टाइम पे आने जाने के रोड नहीं होते थे, तो जिसको पालकी बोलते हैं। हाँ, तो पालकी में बैठ के चार जन उनको लेके जाते। अच्छा, थे। अच्छा। फिर उनके साथ उनको खाना बनाने वाले ऐसे सब लोग होते थे, 10-12 लोगों का जत्था होता था। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे करके
तो एक दिन इनके सपने में ये शांता दुर्गा देवी आई, बोली कि मैं गोवा में, उनका नाम भूल गया मैं, पुरोहित थे कवले मठ कवले टेम्पल के, सर ज्योतिष एक है पेन से ही होंगे। तो उनके पास हमारी कुलदेवी भी शांता दुर्गा ही है, इसलिए मुझे पता है। तो वहाँ से वो विग्रह लेके मुझे तुम्हारे साथ लेके चलो। अच्छा, तो उन्होंने सपना देख के दो टाइम उनको सपना आया, जिसको दृष्टांत कहते हैं। तो वहाँ गोवा गए तो ये जो पेंसे थे वो बहुत पूरा मतलब बूढ़े हो गए थे और वो उनकी बहुत भक्ति की देवी के ऊपर। तो जब ये बात उन्होंने कही तो रोने लगे, मुझे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे से कुछ गलतियाँ होगी लेकिन मैं तो इसको आपको नहीं ले सकता हूँ, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। तो निराश होकर जाने वाले थे, लेकिन उसी रात पेंसे को ऐसा दृष्टांत हुआ कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारा अंतकाल आ गया है, तो इसलिए फिर मेरी देखभाल कौन करेगा, इसलिए मैं उनके पास जाऊंगी तो मेरी वहाँ देखभाल अच्छी होगी, इस हिसाब से मैंने कहा। तो बड़े हृदय से उन्होंने मतलब देवी को देवी का विग्रह उनको दे दिया। अच्छा, वो लेके आ रहे थे तो जंगल में आए तो उनको ऐसी खबर मिली कि टीपू सुल्तान के डाकू आ रहे हैं। ये कितने वर्षों पहले की बात होगी? 300 वर्ष की तो होगी। अच्छा, काफ़ी पुरानी बात है। तो सब लोग जंगल में छुप गए क्योंकि कैश भी थी और ये विग्रह भी था। अच्छा, तो क्या ये सुवर्ण की कोई मूर्ति थी? हाँ, अच्छा, तो शायद रत्न जड़ित भी हो। रत्न जड़ित नहीं है, ऐसी सुवर्ण की। अच्छा, तो इन लोग जंगल में छुप गए। बाद में जब पता चला कि डाकू पास हो गए वहाँ से, तो फिर उन्होंने सोचा कि शाम का समय तो हो ही गया है तो यहाँ मुकाम करके फिर कल सुबह निकलते। अच्छा, तो वहाँ टेंट डाल के उन्होंने मुकाम किया। दूसरे दिन जब उठाने को जा रहे हैं तो मूर्ति उठी नहीं। तो ये कौन से गांव की बात होगी जहाँ का वर्णन कर रहे हैं? हल्दीपुर की। अच्छा, तो वो बस गए होंगे फिर वहाँ पे। तो फिर वो बहुत परेशान हो गए, तो फिर उनको देवी ने दृष्टांत दिया कि मैं यहीं स्थापन होना चाहती हूँ। फिर उसको वही मतलब रख के वो पैसे वहाँ के कलेक्शन था वो ब्रिटिश को दे के आके वापस यहाँ आके उन्होंने वहाँ घर बनाया देवी का और रहने का व्यवस्था की। हमारे जो मकान जो भी है प्राण प्रतिष्ठा की होगी, इसलिए हम लोगों का जो कम्युनिटी में है सब नाम गांव से ऊपर है। क्योंकि जो लाइन में है हल्दीपुर कुंटा कारवा ऐसे होनावर मुर्डेश्वर शिरादी वो बेल्ट में जितने भी हम लोग रहते हैं वो गांव से चंदावर गांव से ही संबंधित से सबका नाम जैसे हमारा भी बोलकर है गोरी गाँव जैसे ये बाकी बाप बोलकर हैं बालकृष्ण भगवंत बोलकर प्रख्यात कवि वो हम उन्हें दाईजी कहते हैं मतलब मुख्य कुटुंब एक ही है। तो अभी बाद में हम भी कारवार में बस गए। अच्छा, तो आप अपने माता पिता का नाम बताइए। मेरे पिता निरंजन हरी को जी और माँ मेरी निर्मला हरी को। अच्छा, मेरे पिता जो थे वो उनका बचपन पूरा शिमला में गुजरा। अच्छा, और एजुकेशन उनका तो कलकत्ता में हुआ। तो उस समय उन लोग हमारी भाषा नहीं जानते, कोंकणी, हम लोग कोंकणी तो बंगाली जानते होंगे। बंगाली जानते थे और हिंदी बात करते थे घर में आपस में भाई भाई लोग, क्योंकि नौकर लोग वहाँ शिमला में जो थे क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो ब्रिटिश सरकार के नौकरी में जिसको बोलते एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के पीए थे। अच्छा, तो पूरा मिलिट्री उनके अंदर था, प्रोटोकॉल वगैरह जो था तो इसके लिए उनका हेडक्वार्टर शिमला में था। तो शिमला में जो नौकर चाकर होते थे सब हिंदी बोलते थे, इसलिए बच्चे भी हिंदी बोलना मतलब देखते हैं। तो जो मेरे उनके माँ के साथ जब बात करते थे कोंकणी में तो हिंदी मिक्स कोंकणी बात करते। अच्छा, थोड़ी सी मतलब भाषा परिवर्तित हो गई होगी उनकी। तो फिर जब कलकत्ता में आए और वो सब वहाँ भी कोई हमारे सरसठ लोग थे तो वहाँ गेम्स वगैरह खेलते थे, तो हल्दीपुर जिले में क्रिकेट टीम थी
बहुत फेमस थी कलकत्ता में, अच्छे खिलाड़ी थे सब। तो हाजीपुर इलेवन जब बन गई तो मित्रों के साथ रह के फिर उन्होंने कोंकणी सीखा। ये जो यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहूंगी, जहाँ आपका मंदिर स्थापित है, जहाँ ये विग्रह आप कह रहे हैं, वहाँ पे मठ भी है क्या? निकट में? हाँ, उसके सामने बाजू वाले में एक मठ है। जैसे मंगेशी के मांगिरिश भगवान है और मठ थोड़े अंतराल पर है, वैसे मंदिर से निकट आसपास कोई मठ है? नहीं, हमारा मठ नहीं है, लेकिन वहाँ पीछे के साइड में वैश्य मठ करके एक है। वो काफी बड़ा है और फेमस। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आप बांसुरी बजाते हैं, आपके घर पे माताजी या पिताजी ये संगीत के प्रति कितनी रुचि रखते थे, या कुछ घर में आपके कोई तबला या तानपुरा या वीणा या कोई तंतु वाद्य हो या कोई और वाद्य थे? नहीं, पूरे हमारे फैमिली में संगीत को बहुत अच्छा, मतलब पूर्वजों से लेकर, पूर्वजों से मतलब हमारे कम्युनिटी में एक टैबू था कि संगीत सीखना नहीं। अच्छा, नहीं सीखना चाहिए? हाँ, मतलब वो खराब लाइन ऐसे समझा रहा था। गणिकाओं को ही संगीत में जाना चाहिए। हमारे जो मठ में भी थे तो स्वामी जी वो जो भी गाना गाते थे उनको मतलब ऐसे नीचे देख के ऐसे, मतलब कि ये लोग ऊंचे दर्जे को नहीं समझते थे। हाँ, क्योंकि ये सब छंदीबाजी करेंगे, दारू पियेंगे, सब मतलब जो बुरे काम करने वाले हैं, ऐसे उनका समझ था कि या इन इन बातों में शायद परिवर्तन भातखंडे जी या पलुस्कर जी के प्रयासों से आ गया। ये क्या आपके कंटेम्पररी थे उनके? हाँ, उनके पिताजी के, मेरे पिताजी के, मेरे दादा के कंटेम्पररी। तो क्या इनके इनके साथ ऐसा हुआ है कि किसी बड़े वाद्यकार है या संगीतकार से इनका संपर्क आया हो? नहीं, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका बड़ा छोटा भाई वो बाबू कहते थे, वो भास्कर बुआ बखरे का शिष्य था। अरे, बहुत बड़ी बात। और बहुत ही अच्छा वो मतलब गाना गाते थे, लेकिन उनका मतलब एक तो एक टैबू था हमारे कम्युनिटी में कि गाना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने गाना ऐसा ओपनली नहीं किया। और किंतु रुचि रखी। हाँ, लेकिन वो इतना अच्छा गाना गाते थे कि मतलब जब शिमला में आए थे तो वहाँ पिट्टी महाराज, पिट्टी करके क्या बोलते हैं सब, राजा राजा थे, संस्थान थे। तो उन्होंने उनको मतलब बहुत विनती की, अरे बाबू तुम गाओ गाओ गाओ। लेकिन तो ये क्या शास्त्रीय गाते थे? अच्छा, तालीम ली थी। अच्छा, तो ये आपके कुटुंब के पहले सदस्य थे, मतलब जो पूर्वजों में से जो काफी रुचि रखते थे संगीत के प्रति, तो फिर वो पहले हमारे कम्युनिटी में क्या है कि जो कीर्तन वगैरह होता है ना, भजन कीर्तन, उसमें सभी लोगों को मतलब मठ के साथ जुड़े ढंग से, ये जो थोड़ा मतलब जो गांधर्व वेद बोलते हैं या अथर्व वेद बोलते हैं, तो उसका जो विचार वगैरह पढ़ते हैं, शाम वेद गायन, यानी कि संस्कृत भाषा के प्रति रुझान था काफी सबका। और अभी भी हमारे कम्युनिटी में संस्कृत काफी प्रचार है। तो मतलब पांडित्य था सबके पास। तो आप ये यहाँ कुछ बताइए कि आपके घर में पहला जो साज है वो आपने स्वयं कब देखा, या कब आपका संबंध संगीत से, जैसे कुछ भी हो, कि माता जी की आवाज अच्छी थी क्या, या पिताजी? मेरी माँ अच्छी गाती थी, भजन वगैरह गाती थी, बहुत ही अच्छा गाती थी, शास्त्रीय भी सीखी थी, शास्त्रीय भी सीखी थी मास्टर नारायण के पास। अच्छा, अरे वाह। तो और उनकी चचेरी बहन थी रत्नमाला बोलते थे, वो वन ऑफ द फर्स्ट प्लेबैक सिंगर्स। उनको सिखाने के लिए वो मास्टर नारायण आते थे और मेरी माँ उसी के साथ गाना सीखी, क्योंकि ऐसा था मेरी माँ बचपन में, उसके बचपन में ऑर्फन हो गई, दोनों माँ बाप चले गए, तो उसको कहीं थोड़ा दिन यहाँ रहो थोड़ा दिन उधर रहो ऐसा करके। तो उसके मामा के घर, मामा की मतलब लड़की थी, ये नहीं चाचा की लड़की थी, तो उसके घर में वो रहती थी, तो उसको सिखाने आते थे, रत्नमाला नाम था उसका। अच्छा। रत्नमाला करके उन्होंने काफी पिक्चर में, शुरू के पिक्चर में ले बैक्स। तो क्या इन्होंने अभिनय भी किया था? नहीं, अभिनय किया नहीं किया।
और पिताजी का कैसा था, मतलब गुनगुनाते रहते थे? नहीं, पिताजी को सुनते थे? नहीं, बचपन से इन लोगों सबको आदत थी, मतलब रिकॉर्ड प्लेयर भी था आपके घर पर? हाँ, रिकॉर्ड प्लेयर भी था। तो उस जमाने में किस प्रकार का संगीत सुनने की एक प्रथा थी जो भी है? देखो, मेरे ऊपर जो संस्कार हुए ना, एक तो घर में भी हुए और स्कूल में भी हुए। अच्छा, आपको पाठशाला के कोई ऐसे शिक्षक याद है जो बहुत अच्छा गाते थे या आपको बहुत प्रोत्साहित करते थे? हाँ, एक काजरेकर मास्टर करते थे। अच्छा, कादरकर? काजरेकर। काजरेकर, अच्छा। वो बहुत पसंद करते थे। तब संगीत विषय तो नहीं रहा होगा पाठशाला में, या रहा था? हाँ, हम लोगों को था। अच्छा, ये बंगाल की बात बता रहे हैं? नहीं नहीं, बारला में मिले कॉलेज। हाँ, तो आप आपकी पहली पाठशाला कहाँ, मतलब? पहली पाठशाला तो मेरी यहाँ, मतलब मॉन्टेसरी, मेरी वही गदक करके थी उस जमाने में, मॉन्टेसरी। हाँ, अच्छा। तो बहुत शुरू शुरू में बहुत होता था, बाद में एक टाइम मैं सेट हो जाता था, फिर मुझे वही पसंद आता था स्कूल। अच्छा, तो कितने वर्षों तक आप वहाँ रहे गदक में? गदक नहीं, गदक वो ये थी, उनका नाम गदक था। अच्छा, टीचर का नाम। टीचर का नाम। घर जो था एकदम आइसोलेटेड था। अच्छा, आपका ग्राम में या गांव में घर होता है, वैसे घर था, जैसे हम लोग कहते हैं कि बंगला था? अच्छा अच्छा अच्छा। और बड़ी प्रॉपर्टी थी मेरे पिताजी की और ग्रैंडफादर की, और उधर ही उनका ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी था पीछे, जो बाद में अभी हाईवे बन गया है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और थोड़ी जगह एयरपोर्ट ने ले ली। तो आपको स्मरण हो रहा है कि पहला साज आपके घर में आया होगा या पहले संगीत का कोई चर्चा हुआ होगा कि क्योंकि या क्या कैसे थी मेरे बांसुरी सीखने लगे? माँ तो गुनगुनाती थी। हाँ हाँ। और हम लोगों को, मतलब जैसे अंगाई गीत गाते, जैसे मतलब लोरी के जैसे गाना सुनाती थी। हाँ हाँ। और उसको मीरा भाई का भजन बहुत पसंद था, मीरा भाई बहुत पसंद थी उसको, तो इसलिए मीरा भाई के भजन को वो अपने खुद से वो अपने को ये करके। तो बचपन के कुछ जलसे आपको याद हैं बहुत कम उम्र में, लेकिन बहुत अच्छे आपने कलाकारों को कुछ सुना हो कोई? हाँ, ऐसे तो मैं पंडित रविशंकर जी को भी सुना। कितनी आयु होगी आपकी? मैं 10 साल का हूँ। अच्छा अच्छा, ये इससे पहले मुझे एक आपको पूछना है कि जैसे किसी बच्चे को देख के कोई कहता है कि इसको ना आप संगीत सिखाइए, 1 या 2 साल का होता है, कुछ सुर में गुनगुनाता है, तो आपको बचपन की और कोई याद है कि कहीं से संगीत के सुर कानों पे पड़ रहे हैं? क्या होता था कि मेरे पिताजी होते तो वो पन्नालाल जी के, पन्नालाल घोष के शागिर्द थे। अच्छा, वो भी बांसुरी बजाते? वो भी बांसुरी बजाते। तो क्या मतलब फिंगरिंग उन्होंने सिखाई पहले? हाँ बिल्कुल। तो क्या होता था कि वो खुद बांसुरी भी बनाते थे पिताजी। हाँ। अच्छा। और क्या होता था कि अभी के जो सब प्लास्टिक केस में वो है क्या है, ऐसा नहीं होता था। हाँ। कि नेल मारे जाते थे दीवार में, उसमें वो लटकाई जाती थी। अच्छा। हाँ। तो हर आकार की बांसुरी तब उनके पास होगी? ज्यादा नहीं थी लेकिन। और वो प्रथा हाँ। जो है वो कब से है जिसके ऊपर रंगीन धागे बांधे जाते हैं? वो शुरू होगी क्योंकि वो प्रोटेक्शन होता है, क्रैक नहीं होना चाहिए इसलिए। तो आपके पिताजी ने कितने वर्षों तक सीखी होगी या कब से सीखी होगी, उनकी कितनी आयु होगी जब सीखना शुरू किया होगा? नहीं, वो तो काफी बड़े थे, मतलब। हाँ, क्या होता है कार्यक्रमों में बजाया? नहीं नहीं, कार्यक्रमों में कभी नहीं बजाया उन्होंने, लेकिन रियाज अच्छा होगा। रियाज बहुत अच्छा करते थे और पन्नालाल घोष की जो श्रवणीय बजाते होंगे, ट्रू जो स्टाइल है उनके पास। अच्छा। हाँ, मैंने सुना है कि क्योंकि बाकी जो पन्नालाल घोष के जो शागिर्द हैं उन्होंने कोई पोषण लिया है, समझ किसी ने आया लिया, किसी ने वो तान करी ली, किसी ने वो गत करी ली। हाँ 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 हाँ। पूरा पन्नालाल घोष का किसी ने लिया नहीं, सिवा मेरे फादर ने। हाँ 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 हाँ। और तो इसके लिए क्या होता था कि एक दिन मैंने छोटा ही था तो उनकी बांसुरी उठा के मैंने बजाई अपने आप, अपने आप से बजाई, तो मेरे ग्रैंड फादर अंदर के रूम में थे, वो सोच में पड़ गए कि अरे पिताजी जल्दी कैसे आ गए। जब दोस्त से सुना तो उनको पता चला कि ये पिताजी नहीं है। इतना साधर्म्य था, मतलब पिताजी और बेटे के बजाने में, सुन सुन कर मतलब अंदाजे से बजा था।
लेकिन ये मैं आपको जरूर पूछना चाहूंगी कि जिस दिन आपने बजाई उसके कितने दिन पहले तक आपकी, उसे हम श्रवण भक्ति कह सकते हैं या जो भी है, कानों से सुनना चालू रहा होगा? वो अननोइंगली कान कान पे पड़ता ही रहता था। आपको पता नहीं था कि ये राग है या वो राग है, लेकिन धुने आप समझ सकते थे, पूरी की पूरी धुन समझ में आती थी, ताल के सही तो कच्चा हो ही गया था, स्वरज्ञान हो ही गया था, ताल के सहित आप समझ लेते थे कि ये आप बजाएंगे तो ताल ही में बजाएंगे, तो उसको कह सकते हैं अंदर होता है, एक अंदर का डेवलप होता है सुन सुन के, मतलब साथ ही में आप कोई धुन और ताल ही में बजा ली होगी आपने। तो ऐसे मतलब इंट्यूशन से बजाया तो ये बात आपके पिताजी तक पहुंच गई बाद में, करेक्ट, शायद करेक्ट बज गया जी जी। तो मेरे दादाजी ने उनके साथ बात की, यदि ये लड़का बजा सकता है क्यों नहीं, इसे तालीम दी जाए। तो उस रात को मुझे पिताजी ने उनकी फ्लूट दी छोटी वाली, बोले बजाओ, तो मैंने बजाया, तो सबका एक मत हो गया कि ये बजा सकता है। तो ये छोटी और बड़ी इसमें क्या अंतर होता है? ऑक्टेव का होता है ना, ऑक्टेव का होता है, सप्तक का होता है, छोटी माने तार सप्तक की होती है, और जो बड़ी बड़ी जो होती है, जितनी बड़ी चौड़ी होती है उतनी गंभीर आवाज, गंभीर और क्या बोलते हैं मंद मंद सप्तक की होती है। तो उस समय पिताजी के पास कई बांसुरियां थी क्या? नहीं, वो कई बांसुरियां थी, लेकिन वो मेरे लिए जो उन्होंने दी थी वो छोटी वाली थी, छोटी सी थी। अच्छा, उस समय शायद बांस की ही बनती होंगी सारी। हाँ, बांस की ही बनती। और आप तो कह रहे हैं कि वो स्वयं बनाते थे। हाँ, अच्छी अच्छी। हाँ, उसके विषय में भी आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया उनसे? हाँ, तो देख के मैंने वो भी सीख लिया। तो आप भी ये सब किया करते थे? हाँ, अभी करते हैं? अभी अभी मैंने छोड़ दिया। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि एक तो क्या होता है कि उसको जलाने पड़ते हो रॉड लेके, तो उसका जो धुआं निकलता है वो तो बहुत खराब है। तो उनके बनाई हुई बांसुरियाँ अच्छे अच्छे लोगों ने प्रयुक्त की हैं क्या? नहीं, वो ऐसे अपने शौक के लिए, अपने शौक के लिए बनाए। तो आप ये परिवार आपका फिर वहाँ से स्थानांतरित कब हो गया, कब वो मतलब महाराष्ट्र में आए होंगे? नहीं, वो तो इन लोग जब कलकत्ता में उन्होंने एजुकेशन किया कम्प्लीट, केमिकल इंजीनियरिंग थे, केमिकल इंजीनियर थे, वहाँ जादवपुर में फर्स्ट केमिकल इंजीनियर की डिग्री इंडिया में शुरू होगी, तो उस वहाँ से उन्होंने डिग्री लेके आए और थोड़े दिन नौकरी की, और फिर फैक्ट्री उन्होंने खुद की लगाई, ग्लास फैक्ट्री, हेल्डिन ग्लास उसका नाम था, और साथ साथ में हेल्डिन केमिकल्स जो दादर में थी कैडल रोड पर, और ये ग्लास फैक्ट्री थी हमारे घर के पीछे, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी, तो वहीं उन्होंने की थी। और मेरे पिताजी ऐसे थे, तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हॉस्पिटल में काफ़ी लगता है वुंड क्लीन करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो पहले आदमी थे जो इंडिया में उन्होंने इंडिजनसली हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैन्युफैक्चर किया। जी जी। और वैसे ही वो मतलब जिप्सोना फैक्ट्री थी, जिप्सोना बैंडेज जो करते थे वो उन्होंने, प्लास्टर ऑफ पैरिस का जो करते हैं वो उन्होंने शुरू किया, फिर वो क्रिस्टल करके डेटॉल जैसे ही बनाया, डेटॉल तभी नहीं था मार्केट में, तो जो डेटॉल बना उसकी कॉपी बनी मेरे पिताजी की, क्रिस्टल उनका डिजाइन भी सेम था डेटॉल का, जो मेरे पिताजी का कॉपी किया जैसा लगता था। अभी जैसे पाठशाला के आपके दिन हैं पहली कक्षा से लेकर दसवीं तक, उस समय सांगीतिक गतिविधियाँ स्कूल में कैसी रही और घर पर क्या चलता रहा, कितने वर्षों पर विधिवत आपकी शिक्षा शुरू हुई? नहीं, क्या और पहला दिन आपका कैसा रहा? यदि स्कूल में एक एडवांटेज ये था कि उस जमाने में जो भी स्कूल टीचर थे सब ब्राह्मण थे और सब संस्कारी थे, सबको संगीत का एक संस्कार था, तो इसलिए वो रिसेस में छुट्टी बोलते, जैसे पानी की छुट्टी हो गई, खाने की छुट्टी हो गई, वहाँ पर पानी की छुट्टी हो गई, ऐसे तो जब भी स्कूल में एंट्री होती थी और स्कूल शुरू होता था उसके पहले 3 मिनट वो ग्रामोफोन की रिकॉर्ड बजती थी, उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट सब नारायण राव व्यार, ये सब अपना गंधर्व, बाल गंधर्व और जितने भी वो टाइम एच एम वी ने रिकॉर्डिंग निकाली थी वो सब बजाया करते थे, तो बच्चे भी सुनते थे। हाँ, बच्चे भी सुनते थे। आपका कंठ कैसा था बचपन में, क्या आप गाते थे?
तो मतलब आज भी आपका गाने का कंठ अच्छा है? नहीं, लेकिन मतलब आफ्टर योर वॉइस क्रैक्ड उसके बाद नहीं अच्छा, लेकिन कुछ ऐसा होता था कि स्कूल के कार्यक्रम है और आप गाते थे? ऐसा होता था हर शाम को, हम लोग पांच भाई बहन सब मिलके माँ हम लोगों के साथ गाती थी, हम लोग ऐसे गोल गोल में संगीत कैसा है, सब सभी लोग गाते हैं, सभी लोग अच्छा गाते हैं। उसमें से आप एक मुख्य वाद्य चुनकर परफॉर्म करते हैं, आप एक व्यक्ति हैं, बाकी रुचि रखते हैं? अच्छा, बहने भी और भाई भी? आपकी एक बहन है? तीन बहन है, एक भाई। अच्छा अच्छा, तो ये आपकी पाठशाला जारी रही, पढ़ाई के प्रति आपका कैसा था? मतलब पढ़ाई तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और आप बच्चे कैसे थे, मतलब चुलबुले नटखट थे या बड़े शांत से? मतलब मैं अबोल था एकदम। हाँ, मतलब शांति पूर्वक बैठते थे कक्षा में, है कि नहीं पता नहीं चलता। जब मैं रेडियो में प्रोग्राम देना शुरू कर दिया बाल संगीत के बाद, उसमें छोटे बच्चों के प्रोग्राम में, जी जी, तो कोंकणी प्रोग्राम में वो एक नार्वे कर थे जी, वो उसको पता ही नहीं था कि मैं, वो समझते थे मैं गूंगा हूँ। तो इतना मेरा मतलब बोलना कम था कि कार्यक्रम संगीत के करते थे या बांसुरी के? बांसुरी के, इसीलिए उन्हें ऐसा लगता था। अच्छा अच्छा, तो फिर ये आपका विधिवत, आपकी विधिवत शिक्षा कब शुरू हुई? मेरी प्रथम आपके गुरु कौन थे, पिताजी के बाद? पिताजी के बाद पन्नालाल घोष। अच्छा अच्छा, क्योंकि पन्नालाल घोष के पास जाते थे। नहीं, यहाँ मैं आपको जरूर पूछूंगी, जैसे होता है कि पहली बार गुरु का दर्शन और उस दिन कैसा रहा, क्या था वो दिन, वो भेंट क्या थी कि गंडा बंधन हुआ या उन्होंने आपको प्रथम देखा होगा, बच्चे होंगे, नहीं क्या, क्या था बताइए ना। ये बहुत एक्साइटेड था, उनका नाम घर में चर्चा होती थी, पन्नालाल घोष पन्नालाल घोष। उनकी आयु कितनी होगी जब आप गए होंगे उनके पास? तब मतलब पूरे छा गए थे, नामचीन कलाकार हो गए थे। अच्छा, तो मेरा ऐसा था कि मतलब रेडियो पे उनकी बांसुरी लगती थी तो मैं पहचान लेता था कि ये, और घर में चर्चा होती थी तो क्या आप पीछे पड़े थे पिताजी की कि मुझे ले चलो, या उनके ही मन में आया? उनके मन में आया कि इसको लेके जाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये कहाँ पर था, कहाँ रहती थी? ये मालाड में रहते थे, हम लोग पार्ला में रहते थे। क्या हुआ बताइए ना, तो कैसे आप गए, क्या हुआ? फर्स्ट टाइम मैं गया जी, तो और ट्रेन का भी मेरा पहला सफर था। अच्छा, तभी मुझे अभी भी याद है कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास ऐसे तीन क्लास। अच्छा, लोकल में। हाँ हाँ, अब तो दो ही है। हाँ, और एक शायद वो डब्बा आ गया है, अब तो विकलांग होता है। ठीक है, तो सेकंड क्लास में गए थे हम लोग, गए तो माला स्टेशन पे जब उतरे तो सब यूरिन के पास, मतलब घोड़े के यूरिन और उनके लीड का पास, तो वहाँ टांगे होते थे घोड़े के, उसमें जो बाबू का, ये वही है जो विक्टोरिया विक्टोरिया कहते हैं जी, तो वो जो टांगे वाला था वो फिक्स था, उसको मालूम था कि इन लोग आते हैं पन्ना बाबू जी के घर में, बाबू जी के घर में जाते, तो बिठाते थे, आई आई साहब आइए, और एक रुपया बारह, क्योंकि पिताजी आपके पहले जाते थे। हाँ, इसलिए इस बार सिर्फ आप साथ में थे या अलग बात थी? ठीक है, तो आपका मन पूरा उत्सुकता से भरा होगा जब तक आप अंदर भीतर गए नहीं। और उनके घर का वातावरण कैसा था, कितने सास, क्या था? इसलिए दो माले का घर था जी, तो लकड़ी का ऐसे स्टेयरकेस था। हाँ हाँ हाँ, और संगीत की, संगीत का कोई अलग कमरा था? नहीं, संगीत का वो हॉल में करते थे। तो बहुत बड़ा मकान था या छोटा सा? ऐसा मतलब एक पूरा फ्लोर घर का जो होता है उस पूरा फ्लोर उनका था। हाँ हाँ, और कई साज होंगे आसपास रखे हुए और बांसुरियाँ अधिक होंगी। हाँ, तो बांसुरियाँ वो अपने इसमें रखते थे और थोड़ी बांसुरियाँ ऐसे दीवार पे। उस जमाने में क्या हर एक व्यक्ति के घर पे तानपुरा भी होता ही था? होता ही था। अच्छा, मतलब हारमोनियम से नहीं लेकिन तानपुरे से मेल जोल रहता था चीजों का। और जब मैं गया तो वो मेडिटेशन में बैठे थे। हाँ हाँ, तो हम लोग जाके मेरे पिताजी बैठे हॉल में, जैसे मेडिटेशन ख़त्म हो गया तो इसे लुंगी टाइट करके आए, मुझे देख के थोड़ा कोंकणी, वो पिताजी के लिए थोड़ा ऐसा चुपरा ऐसा गा रहे, बाबा कश्य रहा है मुझे पूछा, और फिर बैठे, मुझे बहुत प्यार किया, फिर मुझे फ्लूट दिया, मुझे बजाओ, ये छोटी बड़ी छोटी वाली अपनी,
हुई। अच्छा अच्छा तो उन्होंने ये बजाओ, मैंने बजाया। उनको प्रथम देख के आपके मन में क्या विचार आए, क्योंकि आपके मैं ब्लैंक हो गया था। और वो क्या परिधान किए हुए थे, क्या कुछ आपको याद? एक लुंगी और खुला बदन था। सादगी भरे थे एकदम। हाँ, एकदम और युगुच थे। हाँ, लंबे चौड़े थे क्या? हाइट नहीं थी लेकिन एकदम जैसे हम बड़े गुलाम अली साहब की बात करते हैं, पहलवान थे। अच्छा, पहलवान ही करते थे। हाँ हाँ, ये तो नई बात मैं सुन रही हूँ। अच्छा, बॉक्सिंग एक्सपर्ट थे वो, ऑल बंगाल चैंपियन थे बॉक्सिंग में। इसकी वजह से उनका जो हम कहते हैं स्टैमिना काफी रहा होगा, सांस काफी रहती होगी उनकी। तो स्वयं उन्होंने कुछ नहीं बजाया, बस आपसे कहा कि कुछ जो सैंपल कहते हैं बजाओ, कि क्या बजाता है बच्चा। फिर उन्होंने मेरा स्वर नाम बताया, भोले थे, ग गाओ ग, तो मेरे को सुर समझते तो मैं ग आए के क्या वो विश्वास में बजाता था। तो काफी खुश हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि पिताजी को कैसे क्या करते हो, मतलब अभी तक की कितनी तालीम है, कैसे पढ़ाते हैं, ये पूछा होगा। हाँ, तो फिर पलटे बजवा लिए। फिर बोले नेक्स्ट टाइम उसको लेके आओ। मेरा मन में विचार आ रहा है, जैसे हमारे कंठ संगीत में जो भी है सा सा रे सा सा रे ग रे सा या सा रे ग रे ग, तो क्या बांसुरी के पलटे विशिष्ट प्रकार के होते हैं? वही होते हैं। अच्छा, और क्या उसमें सस्टेन्ड नोट पहले दिन बजाओ बोलेंगे तो सस्टेन्ड बजाते हैं? जैसे सा लंबा सा बजाया, रे लंबा सा बजाया, सब लॉन्ग नोट्स ही बजाएंगे। अच्छा, और क्या मतलब स्वर होता है किसी भी बेसिक बांसुरी का? वो हर एक साइज के ऊपर। नहीं मतलब ये जो सोलोज बजाते हैं उनका कुछ ऐसा होता है कि नहीं? आजकल जो पंजाब बाबू ने जो स्टैंडर्डाइज किया हुआ है वो सफेद किंग की बांसुरी का। जी जी जी, और वही सब लोग वही हो गया। जी जी, तो आपका कितने मतलब समय तक उनसे आप तालीम लेते रहे? वो कई वर्ष तक। हाँ, 4 साल हो गए। फिर वो दिल्ली चले गए नेशनल ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर बन के। जी जी, 2 साल में उनसे खाली जब मई महीने में आते थे, गर्मियों में आते थे, तभी मुलाकात होती थी। और मुझे उन्होंने फर्स्ट जो सिखाया था गुरु बिन कैसे गुण पार। अच्छा अच्छा, यमन राव में जी गुरु बिन कैसे, और सबको उसी से शुरू होती है गुरु बिन कैसे गुण पावे, गुरु न माने तो गुण नहीं आवे, गुण जन्म में बेगुनी कहा है। और माने तो रिझावे सबको, शरण गये शाह भीखन को, तब आवे अच्छे पद तार सुंदर। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये बहुत ही सुंदर। नहीं, और इसकी हिस्ट्री भी बहुत, ये बंदिश की हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। जी, अशफाक खान करके एक थे उनके दरबार में लखनऊ के। जी, बहुत ही अच्छे गायक थे लेकिन बहुत गर्विष्ठ, अहंकार। और उनकी आदत थी, वो वरंडा पे बैठते थे अपने उसमें, और कोई आदमी आते वो देखा तो करके टांग गाने शुरू कर रहे, फिर सब लोग वाह स्टार्ट करके चले जाए। मतलब उस पे दबाव किसी के मन में एकदम टेंशन उसको आए कि ये कितना भला अच्छी भली प्रकार से गाते हैं और हम तो नहीं गाते। ऐसा नहीं, वो उनको एक ये था मतलब अपनी ख्याति फैलाने के लिए, मतलब सब उनको वाह सुनने की आदत थी। इसलिए इसलिए तो वहाँ एक शाह भिकन करके एक सेंट थे, पीर औलिया मुस्लिम सूफी सेंट थे शाह भिकन, वो चले आ रहे थे, उसने गाना शुरू कर दिया तो उन्होंने ऐसे ही देखा, ऐसे कभी चले गए झटक के, मतलब क्या तो ऐसे तो इनको बड़ा गुस्सा आया, जाके दौड़ के उनको पकड़ा उन्होंने। बोले क्या समझ के आपने ऐसा गेस्चर किया, जानते हो मैं कौन हूँ? तो बोला हाँ जानता। फिर तुमने ऐसा मुँह करके भेजा, फेर के कैसे चले गए? समझ तो मैं राजा को बोल के तुम्हारे मुंडी कटवा दूंगा, या तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे से अच्छा गाना जानते हो। तो उन्होंने छोड़ने की कोशिश की लेकिन ये आदमी छोड़ ही नहीं रहा, तो नहीं तुमको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं राजा को बोल के तुम्हारी मुंडी कटवा दूंगा। तो बोले अच्छा ठीक है, शाम को जगह फलाने फलाने जगह पे आ जाओ। अब ये अशफाक खान जो थे बेचैन हो गए, कब जाके इसका मैं इंसल्ट करूँ और किसको इसको पनिशमेंट दूँ, ये सोच में वो गए शाम को। तो जैसे वो जगह के पास पहुँचे तो उनको एकदम स्वर्गीय स्वर सुनाई दिए, सुन के एकदम स्तब्ध हो गए, इतना अच्छा संगीत उन्होंने कभी सुनाई नहीं था। तो
आंखों से पानी आना शुरू हो गया, रोंगटे खड़े हो गया, बोले क्या धीमे संगीत है, वही खड़े हो गए। जब संगीत खत्म हो गया और आके देखते हैं तो यही सुबह वाला फकीर जो है वो गा रहा था, तो उनके तुरंत पैर में झुक गए, बोले ये संगीत मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा ये संगीत तुम्हें नहीं था, तुम बहुत अहंकारी हो, तुमको नहीं, तुम्हारी बात नहीं है, बात तुम जाओ। तो बोले नहीं नहीं मैं यही छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं यही रहूंगा आज से, आप चाहते तो। बोले अभी यहाँ रहोगे? हाँ ठीक है। तो राजा को घर वालों को किसी को मालूम नहीं था कि ये कहाँ गया है, सब ढूंढना चालू किया। अच्छा, ये कोई राजा का आश्रय इनको मिला हुआ था? हाँ, बहादुर शाह जफर का जो अभी था। तो बाद में पता चला कि ये शाह बेगम के पास, पहले तो इनको लज्जा आई होगी कि मैंने किससे क्या कह दिया, चलो इनके चरणों में गिर पड़ते हैं। वैसे तो सरेंडर किया, वैसे किया। फिर 3 साल तक जब सीखा उन्होंने तो शाह बेगम ने कहा कि अब तुम जा सकते, तुम्हारी कमजोर हो। तो बोले नहीं अभी गुरु दक्षिणा आपको देनी पड़ेगी। तो बोला नहीं नहीं हम लोग गुरु दक्षिणा तुम क्या दोगे मुझे, तुम जाओ। बोले नहीं नहीं मेरा कोई बनता गुरु दक्षिणा देना है। बोला नहीं आप गुरुदक्षिणा तुम जाओ। तो गुरुदक्षिणा करके उन्होंने ये बंदी बांधी गुरु बिना पैसे और उनको पेश किया। अच्छा। गुरु बिना पैसे गुण पावे गुरु 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 अभी तो एक व्यक्ति नहीं मिलेंगे जिन्हें कम से कम सुनकर ये पता नहीं, चाहे गा ना पाए लेकिन ये बंदिश पता है ही सभी को। मैंने शायद बोलकर वो ऐसी सुनी थी कभी गुनगुनाते थे। अच्छा, तो 10वीं तक कैसा दौर रहा, मतलब आपकी पढ़ाई का कैसा था? शर्मीले थे वो तो आपने बताई दिया, नटखट नहीं थे? मतलब नटखट था लेकिन बाद में वो दोस्ती बनने के बाद। अच्छा। दोस्ती बनने के मुझे बहुत टाइम लगता। अच्छा, तो 10वीं तक कैसा रहा, मतलब 10वीं तक तो शांति से संगीत एक तरफ चलता रहा गुरु जी के घर? नहीं, संगीत तो बाद में वो पन्ना बाबू के डर के बाद में मेरा संगीत में ज्यादा आ गया, खंड हो गया। फिर मैं गेम्स में ही खेला, मतलब मेरा टाइम जाता था। अच्छा। फिर किसी ने आके बोला कि अरे इसका टैलेंट क्यों वेस्ट कर रहे हो। लेकिन रियाज जारी रहा? नहीं, रियाज नहीं जारी, क्योंकि मेरे पिताजी को एकदम शॉक हो गया था पन्ना बाबू जाने के बाद। उन्होंने सोचा कि उसका मतलब उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, तो ऐसा इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो ये 10वीं के पहले की बात है या बाद में की? पहले, बहुत पहले की बात, सातवीं कक्षा में। अच्छा, तो फिर कितने वर्षों का खंड पड़ गया होगा? ये 2-3 साल का खंड पड़ गया। फिर किसी ने कहा कि चिदानंद नगर करके पास इसको लेके जाओ जी। बहुत विद्वान थे और भारतीय विद्या भवन के प्रिंसिपल थे, काफी दूर पड़ता माटुंगा, माटुंगा में। तो वहाँ मुझे लेके गए, उनके पास तालीम शुरू हो गई। लेकिन मेरे पन्ना बाबू एक आराध्य देवक थे, तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही कहा कि देखो तुम अच्छा भी सीखो, मैं पन्ना बाबू घोष का नाम बुला दूंगा। अच्छा, मुझे बहुत हर्ट हो गया। हाँ हाँ हाँ, इनके पास कितने वर्षों तक आपका जाना रहा? 3 साल। 3 साल तक। तब जब आपका आपको लगा कि जिस दिन आपको ये कष्टदायक बात आपको लगी, ये तब आप 10वीं में थे क्या? नहीं, 9वीं में थे। तो पश्चात, मतलब मैं आपके संगीत की तरफ आ रही हूँ, 10वीं के पश्चात क्या क्या किया आपने पढ़ाई के लिए? मतलब कुछ मतलब कुछ किया, खाली खेला। मतलब आपने आपकी पढ़ाई जारी नहीं रखी? पढ़ाई तो कर रहा था। हाँ, फिर क्या क्या किया, मतलब कौन सी शाखा में आप गए, क्या मैं टेक्निकल सब्जेक्ट बैठा। हाँ हाँ, तो उस समय 12th में आपने क्या किया? 12th में था हमारा SSC का 11वीं, फिर जैसे पिताजी ने किया है। फिर आगे क्या किया आपने, पार्ला में रही अब तक भी? हाँ, पार्ला में। फिर कौन से कॉलेज से? पार्ला कॉलेज से मैं एडमिशन हुआ मेरा, और स्पोर्ट्समैन करके मुझे। तो कौन से स्पोर्ट्स में आपके? मैं वॉलीबॉल खेलता था और बास्केटबॉल खेलता था। अच्छा, इसके वजह से आपकी अच्छी खासी हाइट है। अच्छा, और फिर उसके बाद आपने डिग्री वगैरह की है? हाँ, BSc किया मैंने। हाँ हाँ, उसके बाद नौकरी करने का कुछ विचार था या संगीत में ही आपको कुछ? नहीं, क्या संगीत में तो मेरा था ही नहीं, मतलब ऐसा मैं कभी सोचा नहीं था मैं संगीत का बनूंगा। तो पीछे आकर आप बताइए ना कि नगरकर जी के यहाँ से आपने क्या उस दिन ये बात आपको कष्टदायी लगी, आपने सोचा कि मुझे नहीं जाना इनके पास? हाँ। लेकिन उनको बता के आप वहाँ से अचानक से आपने? नहीं, क्या वो योगायोग हो गया, क्योंकि वो बहुत अच्छे गाते थे। तो इन चीजों से आपके बांसुरी में गायकी भी आ गई। में वो रहते थे जी, ये सब लोगों को पता चल गया था कि ये लड़का आता है तो ये तानपुरा उठा के गाता है।
तो उनको सुनने के लिए वो सब लोग आस्ते 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 एक एक आके बैठ जाते थे। आप गाते थे तब? नहीं, मैं फ्लूट सीखता था उनके पास। लेकिन अच्छा, हाँ हाँ, तो चिदानंद जी की आयु कितनी रही होगी? वो भी कम उम्र में है। उन्होंने एक तो मेरा मन था नहीं कि और किसी के पास जाने का, फिर भी मैं गया। लेकिन उन्होंने जो तानपुरा लगाए इतने अच्छे तानपुरे मैंने सुने और मेरा रोना शुरू हो गया। उनकी क्या क्या गुरु परंपरा है? वो रतनकर जी के शागिर्द थे। अच्छा, मतलब विद्वान रहे होंगे काफी। विद्वान, इसलिए उनको मुंशी जी ने उनको प्रिंसिपल बनाया था। कुछ खास तो यंगेस्ट प्रिंसिपल थे भारतीय विद्या भवन के, 26 या 23 आयु में उनको प्रिंसिपलशिप मिली। अच्छा, कुछ आपको याद है कि घोष जी से या इनसे आपने कुछ ऐसी चीजें सीखी हैं, या मतलब जो कहते हैं कि कोई जोड़ राग सीखे हैं या कोई अलग विशिष्ट प्रकार की धुन? नहीं, पन्ना जी को उसके पास तो मैं बहुत ही कम, मतलब एक यमन भूख। लेकिन पूरी तरह से आपको सारे एंगल से आपको सिखा दिया होगा कि आपको सपने में भी आपने भूख बजाया तो आपको उसकी सारी, हाँ वो तो है, सुंदरता के साथ आप बजा पाए। क्योंकि एक तो उनका म्यूजिक मुझे बहुत पसंद था जी, तो जितने भी उनके रिकॉर्ड सुन सुन के तो मैंने वो बाय हार्ट कर लिए थे। और जब बजाता था तो मुझे ताल का ज्ञान नहीं था लेकिन वो ऑटोमेटिक बजता था। हाँ, क्योंकि इन उच्च कोटि के कलाकारों के बारे में हम यही सुनते हैं कि ये 100 बार एक राग बजाएंगे तो राग के भीतर रह के भी ऐसे बजाएंगे हर बार कि आपको 2 राग ऐसे जेरोक्स कॉपी नहीं लगेंगे, भिन्न भिन्न लगेंगे। मतलब तो 2 राग लेकिन बड़ी भली भांति पूर्वक बजाएंगे। और नगर का जी क्या था कि नगर का जी तो मतलब मैं ये सोच रही थी कि और कौन से नए नए राग आपने किए? रंगीला गाना था। हाँ हाँ, मतलब जो आप अगर श्रोताओं को उनका दिल जीतने वाला, और मतलब ऐसे रंजक, मतलब आक्रामक गायक थे कि खासा लोग भी डरते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, खासा लोग भी डरते। अच्छा, उनका आक्रामक गाना था और मेहनत बहुत थी। और फयाज खान उनके बहुत पसंद के गायक थे। फयाज खान के गायक लोग बहुत पसंद करते थे। वो उनका मिशन था वो अपना। उस जमाने में तो क्या कहते हैं, माइक सिस्टम अधिक नहीं थी तो सुनते कि एक घर में गाते हैं तो कहाँ कहाँ तक आवाज पहुंच जाती है, ऐसा था। अच्छा, और कोई आपको याद है कि कुछ खास तरह की बंदिशें आपने की हैं या खास तरह के राग किए हैं उनके पास? उनके पास तो आपके स्मरण में रहे हमेशा से? नहीं, एक तो क्या होता था कि जब संडे के दिन श्रेयाराज कभी कभी उनके पास रचना करते थे वो अच्छे। हाँ, बहुत ही अच्छे। कुछ उनका उपनाम है जैसे चित्त आनंद? अच्छा अच्छा अच्छा। और बहुत ही अच्छी बंदिशें बनाते थे और राग भी उन्होंने बनाए हुए काफी अच्छे हैं। जैसे कि कौशिक रंजन उनका बनाया हुआ। और दूर दूर से कोई गायक वगैरह आते होंगे विद्यार्जन के लिए, छोटे या हो बड़े हो, जैसे श्रेयाराज भी आते थे उनको कभी परामर्श करने के लिए। अच्छा, मतलब ये राग चर्चा करने वाले व्यक्ति थे, राग और विचार अलग अलग प्रकार के, शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान रखते थे। बहुत ही अच्छा। और क्या हुआ था कि बीच में कुछ उनकी खटपट हो गई थी गुरु के साथ, तो लखनऊ में सीखते हुए उन्होंने छोड़ के बिंदादीन महाराज के भाई थे शंभू महाराज, उनके पास जाके रह गए। उनके पास उन्होंने ठुमरिया सीखी। अच्छा, और साथ साथ में तबला और तबला के वो। ये तो ये नृत्य के जितने भी कलाकार हैं उनकी ये एक बड़ी अच्छी बात है कि कई सारे साज भी बजा लेते हैं, बड़ा मधुर सा गा भी लेते हैं। तो इसलिए वो अदाकारी ठुमरी, अदाकारी ठुमरी भी उन्होंने सीख ली। ठुमरे में भी मास्टरी मिल गई, तबले में भी मास्टरी मिल गई, हारमोनियम भी मास्टरी हो गई। हाँ, मतलब किसी से निर्भय से गायक बन गए, कुछ भी बताओ कर सकते हैं। अच्छे स्कॉलर थे।
ज्योतिष भी अच्छा, बहुत ही अच्छा ज्योतिष जानते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो जो बात तब कही होगी, मैं ये भुला दूंगा, शायद थोड़ा अति आत्मविश्वास उनको था, अच्छा अच्छी अच्छे ढंग से कहा होगा। हाँ, उन्होंने अच्छा, वैसे नहीं हाँ, कहा होगा, लेकिन आपके लेकिन मन में लगते मेरे मन में भक्ति थी कि नो बड़ी ग्रेटर देन पन्ना होगा। बीच में आपको पूछना चाह रही थी कि आज दो तीन शैलियां हैं, जैसे मुझे किसी ने बताया था कि बंसुरी पर जो जिस प्रकार से उंगलियां रखी जाती हैं, तो पन्नाना जी की एक अपनी विशिष्ट शैली है। हाँ, दूसरी शैली हरिप्रसाद जी है या उनके वो जो शैली है वो शहनाई से आई हुई। जी जी, जो शहनाई ऐसे पकड़ते हैं वही उन्होंने ऐसा किया, तो उंगली के ऐसे कैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें जो पन्नालाल जी ने जो मध्यम का होल का आविष्कार किया, तो उसमें ऐसा होल से वो नहीं बजा सकते। अच्छा अच्छा। तो आप स्वयं भी जो ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़ते हैं या दोनों तरह से बजाने की मतलब क्षमता तो रखते ही होंगे। एक मन में विचार आ रहा है, विदेशों में जो कभी कभी या ग्रामीण कुछ कुछ गांवों में ऐसी एक दो साथ साथ फ्लूट बजाई जाती है, वो क्या है? उसको पावा बोलते हैं। अच्छा, उसके दोनों क्या आइडेंटिकल होता है? हाँ, नहीं, एक खाली सुर देता है। अच्छा, और दूसरे पे वो लोग धुन बजाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आज बड़ी मजेदार बात है कि जैसे मैं यातायात करके आई हूँ, एक व्यक्ति बड़ी अच्छी बांसुरी बजा रहे थे रास्ते में तो ना सही, लेकिन मैं ट्रेन से सफर करके आ रही हूँ, तो मुझे लगता है कुर्ला में कोई बहुत ही बड़ी प्रकार से बांसुरी बजा रहे थे। मैं तो कहती हूँ कि ये बड़ा अच्छा योग है कि मैं आपके यहाँ आ रही थी और वहाँ पे वो बजा रहे थे, और मैं कह रही थी कि अरे तो अच्छे अच्छे लोगों के छक्के छुड़ा देंगे, लेकिन हम कह देते हैं, हम प्रसन्नता से कहते हैं, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति हो उसके मन को लग सकता है, जैसे आपने कहा। तो उसके बाद कैसा रहा कि जब ये तो आपने बीएससी वाली बात बता दी, कब हुआ कि आप अपने विद्यमान गुरु के पास आ गए, या उससे पहले भी आपने कोई और क्या हुआ? मैं जब इंटर साइंस में था, फेल हो गया था, उस समय मुझे फेशियल पैरालिसिस हुआ। हाँ, अच्छा। तो घर में भी था, फेशियल पैरालिसिस भी था, तो देखिए लटके हुए फ्रूट बांसुरी, तो वो बजाने की इच्छा हो गई, तो आवाज ही नहीं निकलता है क्योंकि फेशियल पैरालिसिस से मुंह पूरा टेढ़ा हो गया था। ये अचानक हो गया कुछ? हाँ, अचानक ही हो गया, कुछ बिजली का झटका वगैरह नहीं? अचानक ही होता है ये। हाँ 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 हाँ। तो कुछ रक्तचाप नहीं था, कुछ नहीं था? नहीं नहीं, तो किसी को भी हो सकता है, यहाँ का सर्कुलेशन बंद होता है, ब्लड सर्कुलेशन तो होता है, हो जाता है। तो ये एक दुर्घटना ही थी, मतलब प्लेजेंट बात ही नहीं थी, अनप्लेजेंट सी बात थी, पढ़ाई में घाट पड़ने जैसी। मुझे एकदम से ये हो गया कि नहीं, मुझे बांसुरी बजानी चाहिए, बांसुरी बजानी चाहिए, आवाज निकलनी चाहिए उसमें, लेकिन निकली नहीं। तो उस समय क्या हुआ था कि एक प्रोग्राम में मैं गया, वहाँ मुरलेश्वर जी की मेरी भेंट हो गई। जी जी, देवेंद्र जी। देवेंद्र जी वो मेरे रिलेशन में भी थे, वो पन्ना बाबू के जमाई भी थे। अच्छा हाँ, तभी तो आपने कहा कि पन्ना जी ने कोंकणी में कोई बात कही, तो वो कोंकणी बोलते थे? नहीं, थोड़ी सी, हल्की सी, हल्की से, मतलब मजाक की। हाँ हाँ, अच्छा। तो जब मैं उनको मिला, तो बचपन में उनसे मिलता था, तो वही जो थे मेरे पिताजी को पन्ना बाबू के पास लेके गए। जी जी। तो उनको देख के मुझे बहुत आनंद हुआ, तो मैंने बोला कि मैं फूल सीखने आऊँ, तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा, उन्होंने बुरा नहीं लगना चाहिए, बोला हाँ आ जाओ, उनको मालूम था कि ये सब। तब मूल रूप में कुछ मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि ठीक हो गया था, बिगड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा। और आपकी कुछ ट्रीटमेंट नहीं चालू थी तब? ट्रीटमेंट चालू थी, लेकिन क्या हुआ कि जो नसीब में होता है वही आप पहुँच जाते। तो अगर फर्स्ट डे से मुझे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट मिलता, तो 7 दिन में मैं ठीक हो जाते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी, वो खाली वो दवाई खाओ, ये खाओ, इंजेक्शन दो, और उसके बाद में मुझे टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड रिलैप्स हो गया। तो 3 महीने गए, तो 3 महीने में पूरे मसल्स डेड हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई आ जाओ, उन्होंने सोचा नहीं था कि ये आदमी कभी वापस बजाएगा, लेकिन मुझे बोला नहीं लगना चाहिए। लेकिन मतलब आप कह रहे हैं कि शक्ति क्षीण हो गई थी, इसलिए फूंक आपकी नहीं आई थी, ज्ञान तो वही का वही था सारा। शक्ति तो क्षीण नहीं हुई थी, लेकिन खाली ये जो ओठ है, ये चेहरा पूरा। ओठों का मतलब पूरा एक जैसे सामान्य व्यक्ति का था वैसा नहीं रहा, थोड़ा मुँह ऐसा हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन आप यानी कि आपके जीवन में एक ऐसे कुछ क्षण या समय आया है
जो आज से भिन्न है बहुत ही, मतलब वो किसी के जीवन में ऐसी बात होती है कि कोई हाय क्या हो गया कह के एकदम से उसका जीवन एकदम बंद सा हो जाता है, मतलब घटनाएं होना कुछ भी होना, लेकिन आपने उसको सकारात्मक आपकी सोच रोकी नहीं। और जो एक तो मोडी से भी मिल गए थे और वो मतलब अंदर से जो था कि मैं अभी तो कुछ नहीं, तो स्लीप तो कम से कम, जो दुर्दम्य इच्छा शक्ति कहते हैं, और मेरे शेयर विल पावर से मैंने जी जी ये प्रबल इच्छा शक्ति से तो बहुत, मतलब हम कहते हैं कि पंगुल लंगे तिंगिरिम जो कहते हैं, तो अभी भी जो मैं बजाता हूँ जी वो एक एडजस्टमेंट है, वो एक्चुअली ब्लोइंग मेरा वो पहले से भिन्न है। हाँ मतलब एडजस्टमेंट है जी जी जी, लेकिन फिर सामान्य वो फेशियल पैरालिसिस अभी भी है। हाँ हाँ, लेकिन दिखता नहीं क्योंकि चेहरा काफी मतलब काफी सामान्य हो गया। लेकिन ये आपको पहले की तरह बजा पाना ये कितने समय के बाद शायद संभव हुआ? ये जब से मैं मुरली सर जी के पास गया, उन्होंने भी बड़े प्यार से कि ये करना ही चाहते हैं तो क्यों ना मैं चिदानंद नगरकर जी के पास गया फिर से, उनकी नहीं जो आप गए थे पहले तो उनकी स्टाइल थोड़ी मेरे में आ गई जी जी, तो जी। एग्रेसिव आगरा टाइप घराना था, तो मुरलेश्वर जी के पास जाने के बाद उनको वो स्टाइल निकालनी पड़ी जी जी जी। ये घर का ऐसा है, क्या ऐसा होता है कम भी तक क्लीन स्लेट फिर से हो सकता है ऐसा उन्होंने सोचा? हाँ हाँ, लेकिन क्या है कि जो संस्कार है वो तो एकदम से निकाल सकते, लेकिन एक बात है एग्रेशन में एक बात रहती है कि उससे आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा रहता है एग्रेसिव व्यक्ति का, तो हो सकता है कि बांसुरी आप बजा पाएंगे ये जो आपके मन में था इसका कारण ये एग्रेशन होगा जो पहले की गायकी से आया शायद? नहीं शायद मेरा स्वभाव है। अच्छा, क्योंकि एक तरफ आपने कहा था कि आप शांत बहुत मतलब थे इसलिए मेरे मन में आया कि इस एग्रेशन की वजह से तो आपके मन में आत्मविश्वास नहीं आया कि नहीं ये तो मैं करूँगा। फिर आपने कॉन्सर्ट्स कब करना शुरू किए, क्या ये रेडियो के आसपास की बात है या बाद में, कब कैसे आप रेडियो में आ गए? पहले तो 72 से मैंने कॉन्सर्ट देना शुरू कर दिया, छोटे छोटे कॉन्सर्ट, तो तब आपकी क्या आयु रही होगी? 24 साल। अच्छा, तो तब आप जॉब नहीं करते थे? नहीं तब जॉब नहीं करते, तो आपने कोई